द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी बैड सिस्टर। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेसन रहता है और वो अपनी फीलिंग्स को गाने के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसका ऐसा मानना रहता है कि किसी को उसकी परवाह नहीं है। दरअसल जेसन पढ़ाई में कमजोर रहता है और उसके म्यूजिक की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन के चलते उसके पिता उसे यूजलेस समझते हैं और उसकी बहन जोई से उसकी बात बात पर कंपैरिजन करते रहते हैं। तो ये थी अब तक की कहानी और अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। स्कूल की छुट्टियां खत्म होती है, जेसन और जोई वापस स्कूल आ जाते हैं जो कि शहर का टॉप कॉन्वेंट स्कूल रहता है। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन एक नई टीचर सिस्टर सोफी की भी दूसरे स्कूल से उनके स्कूल में ट्रांसफर होती है। पर सिस्टर सोफी दूसरी सिस्टर से काफी अलग रहती है। वो बाकी सिस्टर से यंग रहती है और बहुत खूबसूरत रहती है और उनके बिहेवियर में कुछ गड़बड़ रहती है। दरअसल स्कूल के पहले ही दिन वो मॉर्निंग प्रेयर किए बिना क्लास शुरू करने जाती है, जिसके बाद जब जोई उन्हें मॉर्निंग प्रेयर के बारे में कहती है तो वो खुद के बजाय जोई से ही पूरी प्रेयर कहने को कहती है। और क्लास के वक्त जब जेसन एक लड़की सैरा से बात कर रहा होता है तो वो नाराज हो जाती है और सैरा को जेसन के पास से हटा देती है। और स्कूल के बाद जेसन से जाकर पूछती है कि क्या सैरा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो जेसन सोफी से कहता है कि वो बस दोस्त है। जेसन की बात सुनकर सोफी को एक अलग तरह का सुकून मिलता है, पर अगले दिन जब वो सैरा और जेसन को किस करते देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने क्रॉस को इतनी जोर से पकड़ती है कि उसके हाथों से खून निकलने लगता है। और फिर वो सैरा को धमकी देती है कि वो दोबारा जेसन के करीब ना जाए वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और सैरा को धमकाने के बाद सोफी जेसन के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे बहुत बुरा लगा कि उसने उससे सैरा के बारे में झूठ कहा, जिस वजह से अब वो उसे पनिशमेंट देना चाहती है। तो स्कूल के बाद वो उसके हॉस्टल रूम में आ जाए। सोफी की बात सुनकर जेसन स्कूल के बाद सोफी से मिलने जाता है, पर सोफी के गेट पर वो पहुंच कर देखता है कि उसने पूरे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, जिसके बाद जेसन वहां से भाग जाता है। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं रहता, सोफी जानबूझकर जेसन को वो सब दिखाना चाहती थी और उसे पता रहता है कि जेसन दरवाजे पर से सब कुछ देख रहा है। दरअसल सोफी जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी और वो कामयाब भी हो जाती है क्योंकि सोते वक्त जेसन को बस पूरी रात उसी के ही सपने आते हैं। पर अगले दिन वीकेंड्स पर घर जाने से पहले सोफी जब सारा को जेसन से बात करते देखती है तो फिर से अपना आपा खोने लगती है, जिसके बाद सोफी स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रिबेका से ये कहकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट बहुत बीमार है तो वो उनसे हॉस्पिटल मिलने जाना चाहती है। और फिर सीधे रात होने पर जेसन के घर के बाहर अपनी कार पार्क करके बैठी रहती है और उसे गाते हुए सुनती रहती है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो सैरा के रहते जेसन के करीब नहीं जा सकती, जिसके बाद वो स्कूल खुलने पर सैरा की बुक में गांजा रख देती है, जिसके बाद जब सैरा क्लास के टाइम पर वो बुक लेकर आती है तो सोफी उसे पकड़ लेती है और ड्रग्स रखने के जुर्म में वो सैरा को सस्पेंड करवा देती है। पर सोफी का प्लान यही खत्म नहीं होता, वो जेसन के कमरे में भी अपनी शराब रख देती है और रूम चेक करवाने के बहाने उसे भी पकड़वा देती है। पर सोफी यहाँ एक गेम खेलती है, जब फादर मेसी और सिस्टर रेबेका जेसन को सस्पेंड करने का सोच रहे होते हैं तो सोफी उनसे जेसन को माफ करने को कहती है और उनसे कहती है कि आगे से वो उसका ध्यान रखेगी। और सोफी ये सब इसीलिए करती है ताकि जेसन उसे अच्छा समझे और वो जेसन को कंट्रोल कर सके। और यहाँ हमें सोफी की असलियत के बारे में भी पता चलता है कि वो कौन है, कहाँ से आई है और वो जेसन के पीछे इतनी पागल क्यों है। दरअसल सोफी का असली नाम लॉरा रहता है और वो बहुत अमीर और साइको टाइप की लड़की रहती है। और जब एक दिन वो इंटरनेट पर जेसन को गाते हुए सुनती है तो वो उसी पल से जेसन की दीवानी हो जाती है, जिसके बाद जेसन के करीब आने के लिए लॉरा असली सिस्टर सोफी को मारकर खुद उनकी जगह जेसन के स्कूल में आ जाती है। और अब जेसन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के बाद लॉरा जेसन को स्कूल में ही रोक लेती है जब सारे स्टूडेंट्स वीकेंड्स पर अपने घर जाते हैं। पर इन सब के बीच वो एक बात भूल जाती है कि जेसन की एक बहन भी है जिसे उसके हरकतों पर शक होने लगा है। पर जब उसे पता चलता है कि जोई उसके लिए मुसीबत बन सकती है तो वो जोई को भी अपने रास्ते से हटाने का डिसाइड करती है। पर इससे पहले वो जेसन के अकेले होने का फायदा उठाती है और हर वक्त उसे इतना सीड्यूस करती है कि एक वक्त के बाद जेसन खुद को रोक नहीं पाता, जिसका फायदा उठाकर लॉरा रात को उसके हॉस्टल रूम में चली जाती है और सेक्स करते वक्त अपना और जेसन का वीडियो बना लेती है। पर जेसन को ये बात पता नहीं रहती। इधर स्कूल खुलते ही लॉरा जोई को अपने रास्ते से हटाने का अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए एक प्लान बनाती है। इसके लिए वो जानबूझकर जोई को स्कूल टेस्ट में कम मार्क्स देती है, जिससे जब जोई उदास हो जाती है तो लॉरा उससे कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देना चाहती है, वो दोबारा टेस्ट दे सकती है। और इसके लिए वो जोई को स्कूल खत्म होने के बाद क्लास वापस आने को कहती है। और जैसे ही स्कूल खत्म होती है लॉरा जोई के आने से पहले क्वेश्चंस के आंसर वाले पेपर को फ्रंट में रख देती है, जिससे जब जोई क्लास में आती है तो उसके हाथ में वही पेपर लगती है, जिसके बाद लॉरा जोई को तुरंत चीटिंग करने के जुर्म में सिस्टर रिबेका के पास लेकर जाती है और उन्हें जोई को सस्पेंड करने को कहती है। पर इस बार लॉरा का प्लान यहाँ फेल हो जाता है। सिस्टर रिबेका जोई के ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस के लिए उसे इतने छोटे बात पर सस्पेंड करने से मना कर देती है। पर लॉरा के इस हरकत से जोई काफी भड़क जाती है और सिस्टर रिबेका से अकेले में बात करते वक्त उनसे कहती है कि उसे सिस्टर सोफी कुछ ठीक नहीं लगती, यहाँ तक कि उसे लगता है कि सिस्टर सोफी को मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं आती। जोई की बात सुनकर सिस्टर रिबेका को लगता है कि वो गुस्से में ये सब बोल रही है, जिस वजह से वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इसके बाद जब कुछ दिनों में वीकेंड्स फिर से आती है तो दूसरे स्कूल के बिशप इनके स्कूल में घूमने आते हैं और खास बात ये रहती है कि वो असली सोफी को अच्छे से जानते थे। पर इससे पहले लॉरा पकड़ी जाती वो उस बिशप को आता देख लेती है और सिस्टर रिबेका से ये कहकर वहां से भाग जाती है कि उसकी आंट की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी तरफ इस बार वीकेंड पर जेसन के साथ भी कुछ ठीक नहीं होता। जेसन की उसके डैड से इस बात पर बहस हो जाती है कि वो एक साल के लिए स्कूल छोड़कर अपने म्यूजिक पर ध्यान देना चाहता है, जिसके बाद अपने डैड से लड़कर जेसन सैरा के घर पार्टी में चला जाता है। पर जब सैरा उसे किस करने की कोशिश करती है तो उसके दिमाग में बस लॉरा की ही इमेज
जाती रहती है, जिस वजह से वो उसी वक्त नशे की हालत में वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद अंडर एज होने की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। पर तभी लॉरा वहाँ आकर सारा मामला संभाल लेती है और जैसन को अपने साथ एक होटल में लेकर जाती है। पर जैसन समझ जाता है कि लॉरा का वहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था, वो उसका पीछा कर रही थी। तो लॉरा जैसन से कहती है कि वो सही है और वो उसका पीछा बहुत वक्त से कर रही है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। और ये कहकर लॉरा जैसन के सामने बहुत अजीब बिहेव करने लगती है, जिससे जैसन घबरा जाता है। और जैसन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब लॉरा उससे कहती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो चाहती है कि वो उसके साथ कहीं दूर भाग चले। लॉरा की बात सुनने के बाद जैसन उससे कहता है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि वो रोज अफसोस में जीता है कि उसने उसके साथ वो सब क्यों किया। और ये कहकर जैसन वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद जैसन के जाने के बाद लॉरा और भी ज्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। दूसरी तरफ जैसन जब उदास होकर रोड के किनारे एक बेंच पर बैठा हुआ होता है, तभी उसके डैड वहाँ उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और जैसन से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे आज तक नहीं समझा, जिसके बाद जैसन भी इमोशनल हो जाता है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद स्कूल खुलते ही लॉरा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी वो देखते हैं कि सैरा अपने डैड के पहुंच की वजह से वापस स्कूल आ जाती है, जिसे देखकर लॉरा का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और जब वो सैरा को जैसन से दोबारा बात करते देखती है तो उसके गुस्से की सारी हदें पार हो जाती है, जिसके बाद वो सैरा को जान से मार देती है और मर्डर को ऐसे दिखाती है कि वो कोई एक्सीडेंट हो। और फिर वो जैसन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे आखिरी मौका दे रही है, अगर वो उसके पास नहीं आया तो वो उनके वीडियो को ऑनलाइन लीक कर देगी। और जाते जाते लॉरा जैसन को हिंट देती है कि उसी ने सैरा को मारा है। लॉरा की पागलपन देखकर जैसन डर जाता है और हर वक्त टेंशन में रहने लगता है। पर जब वीकेंड पर वो घर आता है तो जोई उसे टेंशन में देखकर समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वो जैसन से सारी बात पूछती है और जैसन को ना चाहते हुए भी जोई को सारी बातें बतानी पड़ती है, जिसके बाद ये मिलकर लॉरा का सच सबके सामने लाने का प्लान बनाते हैं। और इत्तेफाक से लॉरा से भी इधर गलती हो जाती है। दरअसल वो सिस्टर रिबेका से ये कहकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट जो बीमार थी उनकी डेथ हो चुकी है, जिसके बाद सिस्टर रिबेका अपना दुख जाहिर करने के लिए हॉस्पिटल फोन करती है और उनसे सिस्टर सोफिया की आंट के फनेरल का एड्रेस मांगती है ताकि वो उनके लिए कुछ फूल भिजवा सके। और यहाँ उन्हें हॉस्पिटल वालों से पता चल जाता है कि उनके हॉस्पिटल में कोई सिस्टर सोफिया अपनी आंट से मिलने नहीं आया करती थी, जिसके बाद सिस्टर रिबेका स्कूल खुलने पर लॉरा को अपने कैबिन में बुलाती है और उससे अपनी सच्चाई बताने को कहती है। पर क्योंकि लॉरा एक साइको रहती है तो उसे सिस्टर सोफिया को मारने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर वहीं दूसरी तरफ जैसन और जोई चुपके से लॉरा के हॉस्टल रूम में घुस जाते हैं और वहां उन्हें लॉरा के लैपटॉप से उसकी सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो सिस्टर सोफी नहीं बल्कि कोई और है। पर जब ये लोग वहां से निकल रहे होते हैं तब लॉरा वहां आ जाती है और दोनों पर हमला कर देती है, पर इससे पहले वो जोई को जान से मार देती। सिस्टर रिबेका वहां जख्मी हालत में आकर लॉरा को पकड़ लेती है और इसका फायदा उठाकर जैसन लॉरा को जान से मार देता है और मूवी यहां खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हां, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।